टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, और इसमें हम ये देखेंगे कि आपने कैसे किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है। नाउ यू नो दैट कि 1 क्यूब से लेके 10 क्यूब तक हमें ये क्यूब जो होते हैं वो नंबर्स के लर्न करने हैं, और लर्न होते हैं ऑब्वियसली। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या आप किसी क्लास में पढ़ते हैं तो आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसको हम सिर्फ 2 सेकंड में देखेंगे कि हमने इसका क्यूब रूट कैसे निकालना है। देखिए, आपके पास है 17576, ये नंबर है। आप सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके यूनिट डिजिट क्या है। मैंने यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं 1 क्यूब से लेके 10 क्यूब तक, मैंने सबकी यूनिट डिजिट को अंडरलाइन कर रखा है। 1 क्यूब की यूनिट डिजिट क्या होती है, 1, 2 क्यूब की 8, 3 क्यूब की 7, 4 क्यूब की 4, 5 क्यूब की 5, ये सबकी मैंने क्या कर रखी है, यूनिट डिजिट को मैंने अंडरलाइन कर रखा है। अब आप ये देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, 6 है, 6 है। तो बताइए 6 किसकी यूनिट डिजिट है, 6 की ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। ओके, अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपको यूनिट डिजिट मिल गई उसके बाद आपने इन 3 नंबर्स को भूल जाना है, और आपने क्या देखने हैं, जो बाकी के नंबर बच गए आपके वो आपने वो देखने हैं। ठीक है, आपका क्या बचा, 17 बचा। 17 बताओ किसके पास है, किसके क्यूब के पास है। ऐसा नंबर आपको लेना है जो इससे छोटा हो और इसके पास हो। ठीक है, अब ऐसा कौन सा नंबर है, सिर्फ ऐसा नंबर 2 है जो इसके पास भी है, 17 के पास है ये, और इससे छोटा भी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2, दिस इज द आंसर। सिमिलरली देखो ये क्वेश्चन, 5 किसके में आता है, 5 में आता है, तो एक डिजिट 5 आएगी। 3 नंबर को भूल जाओ, क्या बचा, 42। 42 किसके पास है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 42 के क्यूब के पास है, 42 के पास है किसका क्यूब, और उससे छोटा है, 27 है बस ऐसा। तो क्या है, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो क्या आएगा, 3 आएगा। डन, 2 सेकंड्स में क्वेश्चन निकलेंगे आपके, आपको ये ट्रिक अगर आपको आती है तो। ठीक है, देखिए ये क्या है, 1191016, यही है। क्या करेंगे आप, 6 है आपका, 6 किसका होता है, 216, 6 का ही होता है, तो एक डिजिट तो 6 आएगी। अब आप क्या करोगे, इसको भूल जाओगे, इसको भूलने के बाद आपको क्या करना है, या आपको बाकी के जितने भी नंबर बच गए, 4 नंबर बचे हैं, ये देखने हैं बाकी के आपको नंबर, जो 1191 आपका आया ये किसके पास है। ऐसा अब 11 क्यूब क्या होता है आपका, 1331 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको क्यूब निकालने की टेक्निक अपनी लास्ट वीडियो में बताई है, जो आप देखोगे आपसे 2 सेकंड्स में क्यूब भी निकलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है आपका 1191, हमने कैसा नंबर लेना होता है जो इससे छोटा हो, इससे छोटा कौन है, 1000 है, और 1000 किसका क्यूब है, 10 का। तो ये हो गया आंसर, 106 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, 7 है, 7 किस में होता है, 7 होता है आपका 3 में, तो ये आ गया आपका यहाँ पे 3। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा, 571। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो 571 के पास है और 571 से छोटा है, कौन है ये, 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है, तो आंसर आ गया 83। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, कि 2 सेकंड में आपने क्यूब रूट कैसे निकालने हैं, ऐसे निकालने हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।